कहानी होली की। ये कहानी है होली की। होली त्योहार का नाम होलिकाशिप में था, जो कि असुर राज हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला कि उसकी मृत्यु न किसी मनुष्य से होगी, न किसी जानवर से, न वो अंदर मरेगा न बाहर। इस वरदान को पाकर हिरण्यकश्यप ने अपने प्रजा को कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी पूजा करे, ना कि भगवान की। लेकिन उसके अपने ही बेटे प्रह्लाद ने भगवान विष्णु की पूजा जारी रखी। इससे हिरण्यकश्यप क्रोधित हुआ। उसने प्रह्लाद को पहाड़ से नीचे फेंक दिया, किंतु उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने प्रह्लाद को कुएं में फेंक दिया, परंतु उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने प्रह्लाद को पागल हाथी के नीचे कुचल डालने का हुक्म दिया, परंतु वो भी प्रह्लाद का कोई नुकसान न कर सका। इसके बाद प्रह्लाद को एक कमरे में जहरीले और गुस्सेल सांपों के बीच बंद कर दिया गया, परंतु उसे कुछ नहीं हुआ। आखिर में होलिका ने प्रह्लाद को अपने साथ आग में बिठा लिया। होलिका ने खुद एक शॉल ओढ़ ली ताकि वो आग में न जल सके, लेकिन वो शॉल प्रह्लाद के ऊपर चली गई, जिसकी वजह से प्रह्लाद को कुछ नहीं हुआ। मगर होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु ने नृसिंह रूप यानी आधे मानव और आधे शेर के रूप में प्रकट होकर संध्या के समय अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मार दिया। इसलिए हर साल बुराई पे अच्छाई की जीत को याद दिलाने के लिए होलिका को जलाया जाता है। होली का त्योहार होलिका को जलाने के अगले दिन मनाया जाता है।